आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट, चंदकी राम मिश्रा। नगर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के द्वारा विद्यालय के बच्चों को किया गया सम्मानित व पुरस्कृत। मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका मल्लावा के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार निगम रहे मौजूद। माधोगंज हरदोई विकासखंड माधोगंज के नगर पंचायत कुरसठ के द्वारा कई विद्यालयों के बच्चों में प्रतियोगिता कराकर उनको पुरस्कृत व सम्मानित किया गया। आपको बताते चले, नगर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी देवांशी दीक्षित के द्वारा ज्योति जूनियर हाई स्कूल कुरसठ हरदोई व बीएस पब्लिक इंटर कॉलेज एवं नगर विकास इंटर कॉलेज के बच्चों में प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें विषय अलग अलग रखे गए थे। जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इसी के साथ में नगर अध्यक्ष के पुत्र हर्षित व पुत्री हर्षिता के द्वारा कुरसठ पुलिस टीम को तिलक लगाकर सम्मानित किया गया। बच्चों को सम्मानित करते समय नगर के सभी वार्डों के सभासद व सम्मानित लोगों के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर नगर अध्यक्ष कल्पना देवी, अधिशासी अधिकारी देवांशी दीक्षित, नगर पालिका मल्लावा के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार निगम, कुरसठ पुलिस चौकी प्रभारी मुईन अहमद खां, हेड कांस्टेबल राकेश मिश्रा, प्रदीप कुमार, कांस्टेबल पिंटू सिंह, नगर के सम्मानित जगत पाठक ने नगर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी को देवी का रूप बताया एवं इनके हाथों से कराए गए विकास कार्यों की सराहना की। इस कार्यक्रम में नगर के सम्मानित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। का अर्थ ये नहीं कि कोई भी हमारे सर पे आके कत्थक करके निकल जाएगा और हम करवाते रहेंगे। हम आक्रमण नहीं देंगे, लेकिन मुंह तो